सर क्या होता है एक्चुअली में, जब हाथ से खाद का छिड़काव किया जाता है तो उसमें पता नहीं चलता कि खाद कहाँ गया है, कहाँ नहीं पहुँच पाया है, किसी जगह जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं मिल पाया उसको, या बहुत जरूरत से कम मिला है, और जहाँ जितनी जरूरत है उससे कई अधिक मात्रा में जहाँ पहुँच गया है, तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान भी होता है कई बार। बिल्कुल, अधिक खाद मिलने से फसल को नुकसान भी है, कम खाद मिला तो प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं आ पाएगा। इससे ना अगर एक यूनिफॉर्मली स्प्रे होगा, जितनी जहाँ उसको जरूरत है उतना ही खाद मिलेगा। शर्मा जी, अगर मैं आलू के लिए बात करूं तो आलू के लिए किस तरह का रहेगा? आलू के लिए तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो रूट क्रॉप है, उसमें हाइट बहुत ज्यादा होती नहीं है, पौधा छोटा रहता है, तो बहुत अच्छे से ट्रैक्टर इजीली ऑपरेट कर जाएगा, बड़े आसानी से चल के जाएगा। आलू है, जैसे और भी रूट क्रॉप फसलें हैं, लहसुन है और आपका ओनियन है, गार्लिक है, इन फसलों में बहुत अच्छे से चलेगा। और वीट के लिए है, चना है, सारी फसलों में बहुत अच्छे। आलू के लिए तो बेस्ट है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। साथियों, मेरे साथ में हरिओम शर्मा जी है, और आप देख पाओगे फर्टिलाइज ब्रॉडकास्टर है ये, और इधर आप लोग देख पाओगे मेरे साथ दो छात्रा हैं पीएचडी की, राजमाता विजय राजे सिंधिया कॉलेज से। तो थोड़ा वो शर्मा जी से जानना चाहती हैं इसके बारे में, किस तरह से ये काम करता है और क्या इसका प्रोसेस होता है। सर, ये किस तरह से काम करता है फर्टिलाइजर? ये सर, मैं फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है। इसका जो यूज है वो यूरिया, डीएपी, फास्फोरस के छिड़काव करने के लिए है। जैसे बेसिकली हमारे जो किसान भाई हैं आजकल हाथों से छिड़काव करते हैं, तो वो एक तरीके से सिस्टम से छिड़काव नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं ज़्यादा गिर रहा है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं यूरिया जा पा रहा है, कहीं कम जा रहा है, तो इससे जो छिड़काव होगा वो यूनिफॉर्मली रहेगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो 15 फीट लेफ्ट साइड और 15 फीट राइट साइड में कवरेज करके चलेगा। इसके लिए ट्रैक्टर जो रिकमेंड है 35 HP 40 HP तक का ट्रैक्टर इसको कैरी करके चलेगा। ट्रैक्टर के साथ इसकी लिंकें अटैच हो जाती हैं और इसमें एक पीटीओ सिस्टम लगा हुआ है। पीटीओ सिस्टम से ये ऑपरेट होगा, ये सब पीटीओ है इसका, पीटीओ से ये ऑपरेट होगा। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है कि एकदम एक्यूरेसी आएगी। इसको हम पर एकड़ के हिसाब से इसमें मीटर सेट कर सकते हैं, जैसे कि एकड़ में मेरे को 20 केजी यूरिया डालना है तो 20 केजी ही परफेक्टली स्प्रे होगा, ना उससे कम होगा ना ज्यादा होगा। हाँ, इसमें हमारे पास में एकड़ के लिए जैसे ये लीवर लगा हुआ है, उसको कितने नंबर पे आपको लगाना है वो आपका सेट हो जाएगा, यहाँ से आप उसको लॉक कर सकते हैं। ये लॉक सिस्टम नट लगा देंगे, टाइट हो जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे नहीं होगा। इसके बाद सर, जैसे ये और मीटर लगा हुआ है सर, इसमें यहाँ से हम उसका नंबर सेट कर देंगे, जितने भी नंबर पे हमको चलाना है वो थोड़ा टाइट है, तो जितने भी नंबर पे हमको चलाना है उतने नंबर पे ये सेट हो जाए, तो लेफ्ट राइट आसानी से आपका ये छिड़काव कर दे। इसकी जो कैपेसिटी है 8 बैग कैरी करने की इसकी कैपेसिटी है, 4 क्विंटल की चलता है, 4 क्विंटल वजन के साथ में लेके चलता है। अच्छा, इसका वजन की बात करें तो टोटल वेट कितना है? 4 क्विंटल तो चलिए खाद का वेट हो गया, इसका खुद का वेट कितना है? 80 केजी है। हाँ। तो बहुत ज्यादा, मतलब लिफ्टिंग की समस्या तो नहीं आनी कुल मिला के? लिफ्टिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या क्या सर, मेरा सूट है अभी 70,000 रुपए की कीमत है, 50,000 रुपए में आप यहीं से लेते हैं, सब्सिडी में नहीं है। शर्मा जी, अगर मैं आलू के लिए बात करूं तो आलू के लिए किस तरह का रहेगा? आलू के लिए तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो रूट क्रॉप है, उसमें हाइट बहुत ज्यादा होती नहीं है, पौधा छोटा रहता है, तो बहुत अच्छे से ट्रैक्टर इजीली ऑपरेट कर जाएगा, बड़े आसानी से चल के जाएगा। आलू है, जैसे और भी रूट क्रॉप फसलें हैं, लहसुन है और आपका ओनियन है, गार्लिक है, इन फसलों में बहुत अच्छे से चलेगा। और वीट के लिए है, चना है, सारी फसलों में बहुत अच्छे। आलू के लिए तो बेस्ट है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। और कम से कम क्या है ना, खाद का बहुत ज्यादा हाथ से फेंक रहे तो एक अंदाजा भी नहीं रह पाता उतना। सर क्या होता है एक्चुअली में, जब हाथ से खाद का छिड़काव किया जाता है तो उसमें पता नहीं चलता कि खाद कहाँ गया है, कहाँ नहीं पहुँच पाया है, किसी जगह जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं मिल पाया उसको, या बहुत जरूरत से कम मिला है, और जहाँ जितनी जरूरत है उससे कई अधिक मात्रा में जहाँ पहुँच गया है, तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान भी होता है कई बार। बिल्कुल, अधिक खाद मिलने से फसल को नुकसान भी है, कम खाद मिला तो प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं आ पाएगा। इससे ना अगर एक यूनिफॉर्मली स्प्रे होगा, जितनी जहाँ उसको जरूरत है उतना ही खाद मिलेगा, तो फसल में आफ्टर ऑल ग्रोथ होगी। और ये जो आधुनिक यंत्र जो कंपनी ने बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं हर यंत्र की एक अपनी विशेष खासियत है, जिससे कहीं ना कहीं फसल को फायदा है, 25 से 32% तक की फसल में ग्रोथ हो जाती है। नहीं, एक और चीज है ना, जैसे मैं आगरा से हूँ,
और आलू की खेती अच्छी होती है तो आलू की बुवाई से पहले भी खाद फेंकना होता है, तो वो क्या है मिक्स करके फेंकते हैं, अलग अलग फेंकते हैं, तो कम से कम आगे भी फेंकना है तो चाहे मिक्स करके फेंको चाहे अलग से फेंको, बहुत जल्दी काम होगा। जी बिल्कुल, हाँ 15 फीट करीब 30 फीट के आसपास कर रहे हैं तो वहाँ टाइम। अच्छा जैसे जैसे ट्रैक्टर चल रहा है तो ठीक नीचे आ पाती है क्या खाद इसके? बिल्कुल आएगी, वो पीछे की साइड भी स्प्रे करता है। अच्छा अच्छा, पीछे की साइड, पीछे की साइड भी ये जाता है इसका स्प्रे, ये घूमता रहता है तो वो घूमने से ना चारों तरफ उसका स्प्रे हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आप कह रहे हो घूमता है तो ये ठीक नीचे गिरता होगा फिर इसके। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कटा हुआ है वो हिस्सा कटा हुआ है, एक मिनट में दिखा देता हूँ इधर से सही से, ये जो हिस्सा पीछे से ये है तो पीछे वो हिस्सा आ जाएगा।